हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका म्यूजिक थ्योरी वीडियो ट्रेनिंग सीरीज के अंदर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेलोडीज़ के बारे में कि कैसे हम मेलोडीज़ बनाते हैं या ये मेलोडीज़ होती क्या हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं एक अपना जो प्रोजेक्ट है वो ओपन कर लेता हूँ। आपको मैं एक छोटा सा आइडिया दूंगा इसका, ये मैंने बनाया था कुछ टाइम पहले और इसी ट्यूटोरियल के लिए। तो आपको जैसे होती क्या है मेलोडीज़ उस पर बात करेंगे, फिर बनाते कैसे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप इसे सुने तो कुछ इसी तरह से। और इसके अलावा कुछ दिनों पहले मैंने जो हाउस म्यूज़िक बनाया था उसके अंदर भी। तो मेलोडीज़ का मेन मतलब क्या है यहाँ पे कि जो मेलोडी होती है एक तरह से, खैर आपको इतना बताने की भी ज़रूरत नहीं, आपको पता है क्या होती है मेलोडीज़। जो आप सुनते हैं सॉन्ग में, तो जो चीज़ सबसे पहले आपके जो सुनाई, जो आपको गुनगुनाने का मन करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको जैसे ये गाना सुनने, तो आप कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा सुनने पसंद करेंगे यहाँ पे, कि आपके दिमाग में कौन सी चीज़ आपको याद रहती है यहाँ पे? ये बेस लाइन थोड़े ना आपको याद रहेगी हमेशा, आपको ये बेस लाइन नहीं याद रहेगी। आपको जो चीज़ याद रहेगी वो ये पैड भी नहीं होगा, ये सब सपोर्ट करने के लिए है। जो मेन जान होती है सॉन्ग की वो ये मेलोडी होती है। तो ये होती है, इसको कैसे बनाते हैं, ये होती है मेलोडी, इसको बनाते कैसे हैं उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे नोट्स वगैरह हैं, कैसे इनको अरेंज करते हैं, क्या आखिर तरीके हैं इनको बनाने के, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मेलोडीज़ को बनाने का जो मेरा खुद का तरीका है, वैसे बहुत सारे तरीके हैं, आपको कोई कैसे बताएगा, कोई कहेगा कि नहीं ये तो टैलेंट होता है, आपको सीखना ही पड़ेगा या फिर एक्सपीरियंस आएगी कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे कुछ एक चीज़ें सही हैं कि ठीक है, कईयों का तरीका होता है, कुछ एक चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं, कई नोट ऐसे ही प्लेस करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कंबाइन होती है, तभी आप अच्छी जो मेलोडी बना पाते हैं। मैं आपको कुछ एक टिप्स दे सकता हूँ, कुछ एक तरीके बता सकता हूँ, लेकिन जो अच्छी मेलोडी आपसे बनेगी या नहीं बनेगी वो तो पूरी तरह आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे हैं वहाँ पे, या फिर कितना क्रिएटिव आपका माइंड है। इसके अलावा मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आप जो गा रहे हैं, जैसे कोई धुन गुनगुना रहे हों, उसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं मेलोडीज़ के अंदर। ऐसे आप अगर चाहें यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, एडिसन की हेल्प से हम जो है हमारे वॉइस को इस पियानो स्कोरर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो ट्यूटोरियल अभी देख सकते हैं अगर आप अभी वो चीज़ सीखना चाहें तो, बट मैं उसके ऊपर अच्छा वीडियो एक बनाऊँगा, तो वो उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट अभी बात करते हैं अच्छी मेलोडीज़ बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पर कुछ एक चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है आपको। एक अच्छी मेलोडी बनाने के लिए आपको ये इसका पता होना चाहिए, जैसे इनके जो बीच का डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पर मैंने कई बार जैसे देख सकते हैं यहाँ पर दो स्टेप की लेंथ का यूज़ कर रखा है, यहाँ पे हाफ स्टेप की, एक स्टेप की लेंथ यूज़ कर रखी है, यहाँ पर जैसे पूरी पूरी बीट की बराबर की लेंथ यूज़ कर रखी है। तो ये तो देखो डिपेंड करता है कि जो म्यूज़िक का जेनर है, फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल हाउस टाइप का म्यूज़िक है, इसमें यूज़ रखा है। अगर आप जैसे ट्रॉपिकल हाउस टाइप का सुनेंगे तो वहाँ पे बाउंसिंग टाइप की मेलोडीज़ होती है। वैसे अगर आप रोमांटिक टाइप का सुनेंगे तो वहाँ पे थोड़ी जैसे स्मूथ मेलोडी चलती है, ज़्यादा कुछ उसमें वेरिएशन इतने होते नहीं हैं। तो ये डिपेंड करता है। यहाँ पर एक जो मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ कि आप मेलोडीज़ को अगर बनाएं तो वहाँ पे ऐसे नहीं है कोई भी आप रैंडमली ऐसे पुट कर दिए इस तरह से बन जाएगी अच्छी मेलोडीज़। एक मेलोडी होती है जिसका मीनिंग निकलना चाहिए। मेलोडी एक्चुअल में एक तरह से आपसे बात करती है, आपको मतलब मैं आपको शब्दों में समझा नहीं पाऊँगा, बट एक तरह से ये इनके साथ एक इमोशनल फील होती है अगर आप इनको सुनेंगे। जैसे कोड होते हैं, एक कोड में शायद आपको पता ना चले, लेकिन कोड एक के बाद एक जब आते हैं, जैसे आप सिर्फ इस पैड साउंड को सुनेंगे तभी आप बता सकते हैं सैड हैप्पी किस टाइप का है।
तो आप सिर्फ पैर टाइप की साउंड सुन के भी आप बता सकते हैं किस तरह से उसकी फीलिंग जा रही है। तो मेलोडीज जो है डायरेक्टली फीलिंग से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, इस तरह से। तो अभी बात करते हैं क्या होता है जैसे बनाने का, जो मैं तरीका यूज़ करता हूँ। एक जो मेथड मैं यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा इसके अंदर, उसे कहते हैं क्वेश्चन आंसर मेथड। कि मेलोडी का कुछ पार्ट आपका क्वेश्चन पूछ रहा होता है और आधा पार्ट उसका जवाब दे रहा होता है। तो इसको जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं मैंने अभी ये थोड़ा सा बनाया है। इस क्वेश्चन आंसर मेथड, वैसे ज़रूरी नहीं है हमेशा क्वेश्चन आंसर ही पूछे, बट मेलोडी का एक पार्ट कुछ और होता है, अदर पार्ट आप ऐसे बोल सकते हैं, ये एक पार्ट क्वेश्चन पूछ रहा होता है, एक पार्ट आंसर दे रहा होता है। तो जैसे आप अगर इसे सुनेंगे, इस तरह से, तो मेलोडी में आप अगर इस तरह की चीज़ें क्रिएट करेंगे, तो जैसे मुझे पर्सनली पसंद है डबस्टेप म्यूज़िक जो होता है, उसके अंदर देखेंगे कि वहाँ पे मेलोडीज़ नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ बेसिस टाइप के होते हैं, सिर्फ बेस होता है, ठीक है, बेस वहाँ पे वोबल और उस तरह से। तो वहाँ पे उनको इस तरह से अरेंज करते हैं कि आप रैंडमली कुछ भी थ्रो करोगे तो वो अच्छा नहीं बनेगा, वहाँ पे आपको ये चीज़ बनानी पड़ती है। उसका आधा पार्ट कुछ ना कुछ हरकतें हो रही होती है, वो आधा पार्ट क्वेश्चन पूछता है, आधा पार्ट उसका आंसर दे रहा होता है। तो वहाँ पे आपस में एक दूसरे के साथ मतलब इनका तालमेल ऐसा बनता है कि वो अच्छा लगता है सुनाई देने में। अब इसका अकेले का कोई मतलब नहीं है, इसको ही इसको रिपीट करता रहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इसके साथ में ये रहता है। और जबकि इसका अकेले का भी कोई इतना नहीं है, ठीक है, लेकिन इन दोनों को आप साथ में सुनते हैं तो इनका थोड़ा सा मीनिंग निकल के आता है। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में ये काफ़ी आसान है, जैसे आपको करना क्या होता है, एक मेलोडी का एक पार्ट बनाना होता है, उसके बाद में और पार्ट में आप जो है उस पर चेंजेस कर सकते हैं। जैसे इनका एक मेन ही यही रखिए, जैसे इसकी जो लेंथ वगैरह है वो वहीं रखिए, बट इनके वेरिएशन चेंज कर दीजिए थोड़ा सा, कि इसमें थोड़ी फीलिंग अलग आ जाती है। जैसे यहाँ पे ये सुनेंगे तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा वेरिएशन ऐड करा था मैंने। और मोस्टली टाइम यही होता है कि मैं जैसे एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, सुन के देखते हैं हम कि पर्सनली, ऐसा मैं आपको रूल नहीं बता सकता कि हमेशा ए के बाद आप सी यूज़ करना अच्छा साउंड आएगा, ऐसा नहीं होता। स्केल में रहो, कोई भी नोट यूज़ करो, बट आप उनको सुनो बार बार, आपको पता चलेगा। और ये चीज़ एक्सपीरियंस के साथ आती है, आप सुनते रहोगे फिर आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे को ऐसे प्लेस करना चाहिए। और इसके अलावा कुछ टाइम में आप जो है स्किल डेवलप कर लेंगे, जैसे इस तरह से, जैसे नोट की कई बार एंडिंग करते हैं या फिर तो इस तरह से। तो आप मतलब ये तो खैर वही आ गया शुरू वाला, तो आप ना ऐसे ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट तरीके, अलग अलग नोट को ट्राई कर सकते हैं। तो अच्छा आखिर बनती कैसे है, जो मेरा पर्सनल तरीका है मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक कोड जो है, जिस भी आपको कोड पे बनाना है वो हम रखते हैं, तो जैसे जिस भी कोड पे बनाएंगे हम पहले वो प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। पहले एक अच्छा सा कोड बनाएंगे हम, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। Thank you.
तो अभी के लिए बेसिक ही ठीक है। और इसमें जैसे अगर हमें कोई मेलोडी ऐड करनी हो तो अभी थोड़ा सैड टाइप का जा रहा है, तो मैं वैसा सही कुछ बनाऊंगा। और हमेशा ट्राई कीजिए कि जो आपने इनमें कॉर्ड में जो आप यूज़ कर रहे हैं नोट्स, वही यूज़ करने की कोशिश कीजिए, आपकी मोस्टली अच्छी बनेगी। आप शुरू में क्या है कि एकदम सिंपल बना सकते हैं, फिर उसमें हम वेरिएशन ऐड करते जाएंगे। अब इनको हायर नोट में लेके चलते हैं। आप इसमें अब वेरिएशन ऐड कर सकते हैं, फिर इनकी लेंथ। और फिर आप इनका नोट छोटा करके इसमें और ज़्यादा वेरिएशन ऐड कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। बस वही स्विंग होता है ऊपर नीचे, और आप कुछ भी बना सकते हैं। और अगर मैं ये प्रीसेट चेंज करूं, तो ये प्रीसेट मैंने यूज़ की है, और यहाँ पे आप इनको सेम ला सकते हैं। और यहाँ पे आपको थोड़ा एडिट करना पड़ेगा।
तो इसको खैर मैं बनाऊंगा तो ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और अभी है नहीं इतना हमारे पास। तो मतलब आइडिया यही है, आप पहले बेसिक लाइन जो है नोट है वो चूज़ करते हैं, फिर उसमें वेरिएशन ऐड करते जाते हैं। और इस तरह की मेलोडीज में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। बाकी जैसे अगर आपको, जैसे ये तो सैड टाइप का हो गया था काफ़ी, ठीक है, आपको जैसे हैप्पी टाइप का बनाना हो थोड़ा, और इसको जैसे एक तो ये पियानो चेंज करते हैं सबसे पहले। सिंपल में तो मैंने इसका स्केल चेंज कर दिया और इसके अलावा कोड भी चेंज किए हैं। तो अगर मैं इन बीच वाले कोड को, जब पहले बीच में थे पर मैंने इनको ऊपर कर दिया, अगर मैं आपको दिखाऊं ये कौन सा, ये वैसे ए मेजर स्केल है और इसके अंदर ये वाले नोट थे पहले। और इसके लिए हम अब मेलोडी बनाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एक मैं आपको और सजेशन देता हूँ, जैसे जो कोड की रिदम है उसी के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। यहाँ पे इसके भी मैं प्रीसेट चेंज करता हूँ तो ये अभी सुनाई देगी।
ऐसा सही मैं यहाँ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है ऐसा से यही क्रिएट करना भी, ये अच्छा लग रहा है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको रिपीट कर सकते हैं। लास्ट में आप इस तरह से लेके जा सकते हैं और इधर भी। पहले एक कोड भी सही कर लेते हैं। Thank you.
और इसी के लिए जैसे हम एक पेज क्रिएट कर लेते हैं सिंपल सा, तो मैं आधा पार्ट ही रख रहा हूँ इसका, आधा पार्ट में टाइम लगेगा। और इसमें जैसे हम बेस करते तो एक कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं बेस के लिए। तो यही था कि क्या होती है मेलोडीज़ वगैरह कैसे बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ एक्सपीरियंस वगैरह से आएंगी, आप इनको प्रैक्टिस करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, आप तरह तरह की टेक्निक्स वगैरह सीखेंगे, और इसी से आप जो है अच्छी मेलोडीज़ वगैरह जो बनाना सीख जाएंगे। आपको इमेजिन करना पड़ता है, दिमाग के अंदर एक धुन बनानी पड़ेगी, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा आसान है, बजाय कि यहाँ डॉ में बैठ गए और कुछ भी बनाने लग गए। तो ये तो चलो अभी है हमारे पास पे इतनी सुविधाएं कि बन जाती है, बाकी असल में पहले आपको सोचना होता है बनाना क्या है, फिर आके वो सॉफ्टवेयर बनाना होता है। तो इस तरह से हो जाती है। बाकी कुछ एक जैनर है वगैरह, इनका तो सेम ही रहता है लगभग, जैसे मेलोडीज़ वगैरह का तरीका सेम ही है, इस तरह से कुछ फ्लक्चुएशन वगैरह होती है, तो वो तो आप मेलोडीज़ वगैरह सुन सकते हैं और वैसे बनाने की ट्राई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। अगर आपको स्टिल कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और या मुझे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एडवांस ट्यूटोरियल्स के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट यानी medialens.com पर भी जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ मेरी अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम देवेंद्र सिंह एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।